अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लैब वर्क। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा माइक्रोलैब 300 के बारे में। दोस्तों, ज़्यादातर आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब भी हम माइक्रोलैब मशीन किसी भी टेस्ट के लिए रेडी करते हैं तो माइक्रोलैब मशीन हमें वाटर ब्लैंक एरर का ऑप्शन शो करता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये माइक्रोलैब मशीन वाटर ब्लैंक एरर क्यों शो करता है और ये मुख्तलिफ टेस्ट के लिए रेडी क्यों नहीं होता। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है हमारे माइक्रोलैब मशीन में और इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे माइक्रोलैब मशीन में एक लैंप लगा होता है, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर उस लैंप की वजह से आती है, उस लैंप में प्रॉब्लम की वजह से आती है। तो उसको हम किस तरह हल करेंगे और आप लोग किस तरह पता लगाएंगे कि हमारे माइक्रोलैब मशीन का जो लैंप है वो ठीक है या नहीं, या ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं, तो इसको हम किस तरह चेक करेंगे, ये मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने मेन्यू में जाना है। यहाँ पर आप लोगों ने नीचे आना है, यूज़र मेंटेनेंस, यहाँ पर आप लोगों एंटर करेंगे। तो जब आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपको ये मिलेगा एडजस्ट लैंप, फिर आप इस पर एंटर करेंगे। तो जब आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टार्ट और आपका ऑप्शन नज़र आएगा। तो आप लोगों ने स्टार्ट के नीचे जो बटन है उसको दबाना है। फिर तो जब आप स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आपको एब्जॉर्बेंट्स नज़र आएंगी। तो इसके लिए आप लोगों ने डिस्टिल वाटर रखने हैं और फिर फ्लश का बटन दबाना है आप लोगों ने। तो जैसे ही आप लोग फ्लश का बटन दबाएंगे तो एब्जॉर्बेंस जो है वो एक से ऊपर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 0.614 है। तो अगर ये एब्जॉर्बेंस आपके पास 1 से नीचे है तो इसका मतलब ये है कि आपका माइक्रोलैब मशीन का जो लैंप है वो ठीक तरह काम कर रहा है। अगर ये एक से ऊपर हो जाए तो फिर आपका माइक्रोलैब मशीन का जो लैंप है वो ख़राब हो चुका है, फिर आप उसको बदलिए, इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। फिर आपने स्टॉप का बटन दबाना है तो ये प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। फिर वापस आप लोगों ने बैक पे जाना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये प्रोसेस समझ गए होंगे। अगर फिर भी इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।